मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को गुरुवार की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे बच्चे, अपने जीवन की आज से एक नई शुरुआत करो। जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया है, उन्हें माफ़ करो, क्योंकि वह तुम्हारे अपने ही हैं। उन्हें बहुत पछतावा है, लेकिन वह कह नहीं पाते हैं। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ और तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि तुम्हारा मन साफ़ है, लेकिन तुम अगर उन्हें माफ़ कर दोगे तो तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। तुम गुस्से के बोझ तले दुखी रहते हो, इस तरह कब तक रहोगे? इससे अच्छा है कि तुम उन्हें माफ़ करो और आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, जल्द ही तुम्हें तुम्हारी मनचाही नौकरी मिलेगी और नौकरी के बाद तुम उसके एक छोटे हिस्से का उपयोग अन्नदान में करना। जो तुम्हारा है वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम यहाँ वहाँ की बातें सोचकर खुद को परेशान मत करो। मेरे बच्चे, विश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, इसलिए विश्वास रखो, तुम्हारे जीवन में सब अच्छा ही होगा। और जब भी तुम्हें समय मिले तो मेरे मंदिर अवश्य आना, मैं तुम्हें कुछ भेंट दूंगा और अपने कुछ बच्चों को मैं अपने दर्शन भी दूंगा किसी भी रूप में। इसलिए तैयार रहो मुझे पहचानने के लिए। और मेरे कुछ बच्चे बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि बाबा, आपका हाथ मेरे सर पर होते हुए भी ऐसा कठिन समय क्यों आता है मेरे जीवन में? तो बच्चे, तुम्हारे इस जीवन के कर्म अच्छे हैं, परंतु पिछले जन्म के बुरे कर्मों के कारण ये ऐसा समय आया है तुम्हारे जीवन में। लेकिन अगर तुम मुझे विश्वास से थामे रहोगे तो मैं तुम्हें इस समस्या से बाहर निकाल लूँगा। बस विश्वास से मेरा हाथ थामे रहो और अपने जीवन में हमेशा ये बात याद रखना कि जब भी तुम्हारा मन अशांत हो तब कोई भी निर्णय मत लेना। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे 108 नाम पढ़ो या ओम साई राम का जाप करो, तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हें जीवन में किस दिशा में आगे जाना है यह भी तुम्हें समझ आ जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने जो पूर्ण विश्वास के साथ मुझसे प्रार्थना की है तो मैंने तुम्हारी वो प्रार्थना सुनी है बच्चे, और उन प्रार्थनाओं में से एक प्रार्थना पूर्ण करने का समय आ गया है। मैंने इतने समय तक तुम्हें वो नहीं दिया जो तुम मुझसे मांग रहे थे, क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर की सबूरी देखनी थी। अब तुमने मुझे दिखा दिया है कि तुम्हारे अंदर बहुत सबूरी है बच्चे, और श्रद्धा भी है, इसलिए अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर अब तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा। तुम कल जो थे आज वो नहीं हो, क्योंकि आज तुम एक बहुत बेहतर इंसान बन गए हो। और मैं यही चाहता था कि तुम रोज कुछ न कुछ हर किसी से सीखो। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आज मेरे 108 नाम पढ़ो, तुम्हें मेरी अनुभूति होगी और मैं तुम्हारे जीवन में अपने चमत्कार दिखाऊंगा। इसलिए बच्चे, अपने जीवन में प्रार्थना करना कभी मत छोड़ना। मैं जानता हूँ कि तुम अभी परेशान हो, इसलिए तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं तो तुमसे ही बात करने आया हूँ और ये बोलने आया हूँ कि मैं तुम्हारी परेशानियों को अब सुलझा रहा हूँ। और एक बात समझ लो कि तुम्हारी भक्ति में ही तुम्हारी शक्ति छुपी हुई है। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारे जीवन में अब बहुत बड़ा चमत्कार करने जा रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है कि तुम खुद नहीं जानते, इसलिए आज मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि निराश मत होना, तुम्हारे अच्छे दिन अब शुरू हो चुके हैं और तुम्हें इसका एहसास इसी महीने से होगा। मेरे बच्चे, तुम जीवन में किसकी संगत में हो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जैसी संगत होती है वैसी ही तुम्हारी सोच बन जाती है। इसलिए बहुत ध्यान से अपने दोस्तों को चुनो जो तुम्हारी खुशी में खुश हो और तुम्हारी गलती पर तुम्हें रोके टोके, वही तुम्हारे सच्चे दोस्त होते हैं। और तुम अपनी जन्म पत्रिका को लेकर चिंतित मत हुआ करो, चाहे किसी पंडित ने कुछ भी बोला हो ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूँ और मैं तुम्हारा भूत भविष्य सब कुछ जानता हूँ। इसलिए जो तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा है मैं तुम्हें वो भी दूंगा, बस अपने कर्म अच्छे रखो। मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी कुछ भी दोबारा से शुरू करना हो तो सोचो मत, बस शुरू करो,
क्योंकि मन में वो विचार आना भी एक संकेत है कि उस बात को दोबारा करने का समय आ गया है। फिर चाहे वो तुम्हारा कोई काम हो या फिर किसी रिश्ते की दोबारा से नई शुरुआत करनी हो, तो तुम उसे शुरू करो। इस नई शुरुआत में मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, इसमें तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, ये मेरा वादा है तुमसे। इसलिए सदा खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।